रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कांग्रेस शासनकाल में एक गड्ढा न भरने की बात उछालकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सांसद के उक्त बयान को मुंह चिढ़ाती तस्वीर स्वयं सांसद जनार्दन मिश्रा के गृह ग्राम से आ चुकी है। वहीं अब भाजपा कार्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर बसे शिवाजी नगर मैदानी से आई है, जहां विधानसभा लोकसभा चुनाव में स्थानीय लोगों ने मांग की तो आनन फानन में बिजली के खंभे गाड़ दिए गए, नाली का आश्वासन दे दिया गया, लेकिन अब गड्ढा भरने वाले ठेकेदार भूल चुके हैं कि शिवाजी नगर भी रीवा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और भाजपा कार्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मार्ग का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल एक दिन पहले ही लोकार्पण किया है। अब खुद देखिए यहाँ की तस्वीर किस तरह से शहर गांव की शक्ल बयां कर रही है, और देखिए सांसद विधायक को मुंह चिढ़ाती तस्वीर, सुनिए स्थानीय लोगों ने किस तरह से आरोप लगाया है और क्या मांग की है। ये बिटिया का कहीं घुमाई मु बिटिया के खड़े हो, खड़ी हो या खड़ी हो बाहर निकल, खड़ी उतर के स्कूल जाओ की समस्या बनी हुई है 10 सालों। घर जाने दो, मत जाना उधर। पापा की पेटी तो ऊपर रखी, पापा की पेटी कुछ उगाड़ा था घोड़े में। आ जाओ ना इस ऊपर कुर्सी के ऊपर चढ़ जाओ, यहीं से कुर्सी के ऊपर टार्च चला लो। अरे टार्च चलाओ ना, पीछे की टार्च पेटी तुमको वीडियो की लगती है। आप देख सकते हैं कि ये करहिया गल्ला मंडी के पीछे की हालत।
वाह किनारे वह गड्ढा खोदे हन का करी ये इतना पानी भरा रहा अब मनई लड़किया बच्चा लाए का करी अब कहाँ लेके जाई तमान पानी भरा अब गिरी मारी न तो का करी आप गिर गई यहाँ। हाँ गिर आ गए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारे बेलाकली से बता वाला हूँ लड़का। अपने बोलिए अपने नाम। क्या नाम? नाम है बेलाकली से। पानी भरा था रात भर, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अरे बहुत नुकसान, फ्रीज तो बिल्कुल चली गई, गेहूँ गल्ला सब भीज बिस्तर उसका सब सब बिल्कुल पाए इतना उतरान रहा है, कहाँ लग रहा था भर फेंकन दिन भर में फेंकन साहब का कहिए, गरीब मनाई है ना नहीं हो रहा है। अभी यहाँ बीच में घुसे कोई वो करे वाला नहीं है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। समस्या आया कम से कम 8-10 साल हो गए यहाँ नाली बन नहीं रही है, अब बच्चों को ले जाने में गुठुआ भर पानी, अब इसका पेपर है कल से चालू है, इतनी परेशानी के ना हम धंधे काम में जा पा रहे हैं और ना तो इसको पेपर ले जाना है दिखा है वहाँ नहीं ले जा पा रहे, इतना पानी है बड़ी परेशानी जाती है, यहाँ देखिए चल के पूरे अंदर पानी घुसा हुआ है। अंदर का चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हो गया देख लीजिए, ये बच्चों को पेपर दिलवाने ले जा रहे हैं, पेपर दिलवाने ले जा रहे हैं, सुबह सागे रोज पेपर चल रहा है इस समय, अब कितना पानी है क्या बताएं, अंदर भी भर गया पानी पूरे हाथ। कौन सा मोहल्ला ये? ये ग्राम पंचायत तुर कहा है, मैदानी शिवाजी नगर, अब उधर पानी की निकासी एक भी नहीं है, वहाँ जैसी भी आई थी खोदने के लिए वो भी बंद हो गया, रुकवा दिए, बोले कि ये द्वार है इतना, यहाँ तक दुआई तक नाली बाई उधर पानी की निकासी नहीं है, बड़ी समस्या जाती, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है। रानी भुइया मंदिर के पास, रानी भुइया मंदिर के पास शासन प्रशासन आते हैं कागज में लिख देते हैं कि रोड बन गई नाली बन गई सब कंप्लीट, फुर्सत है यहाँ से मतलब कोई फोन करने पे नहीं आता, पेपर में तो रोड नाली बन जाती, पेपर में कंप्लीट हो जाता है, बाकी यहाँ कोई झांकने नहीं आता, मंत्री जी भी आएंगे तो वही कब आएंगे जबकि मतलब पानी सूखा रहेगा, बोलेगा सब ठीक है अब भरा तो कोई नहीं आता, जब बोर्ड लेगा हो बोर्ड लेने के लिए बस फला आदमी हमको देना हमको देना सब कोई कष्ट आ जाएंगे, अब बाकी का कोई झांकने नहीं आता यहाँ। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है वर्षा के समय, और यही बारिश का पानी जो है घर के अंदर बारिश के समय आ जाता है, जहां पर बारिश के पानी के साथ जलीय जीव कीड़े भी अंदर आ जाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको, दुर्गा बेटी आप ऐसे आ जाइए, बड़ा खींचा है इतना पानी, मतलब एक भी जगह नहीं है बैठने के लिए, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल परेशान रहते हैं। देखिए इस तरह का पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम बैठने के लिए ठौर नहीं है, पूरा अंदर तक देख लीजिए, चंदन तो लगा दे कैसा करिए, भैया सब ऐसे है रात भर बाल बच्चे दोनों का मरा, आ जाइए पूरा कमरा वहाँ से देखी पूरा वो नहीं है एकदम, अरे इतना भरा रहा गुटुआ बनाए हैं, जो आते हैं यही कहते हैं हमें वोट तो हम जिता देंगे, सरपंच काम दे ना को दे सब ना ही कह देते मैं भक्त मना सरपंच को कहते हम नहीं जानी है को नहीं ऑनलाइन शिकायत की जाती है तो बंद करा देते हैं। सरपंच क्या बोल रहा है? सरपंच बोल रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, पटवारी तहसीलदार के अंडर में सरपंच पटवारी के हमारे अंडर में नहीं है, प्रधान सरपंच के अंडर। और सीएम हेल्पलाइन में क्या बोलते हैं? सीएम हेल्पलाइन में आता है तो ऊपर से बंद करा देते हैं शिकायत ही बंद करा देते हैं, पंचायत से शिकायत बंद करा दी थी, यहाँ पे आगे खोलने नहीं बंद करा देते हैं, लाठी लाको दौड़ते हैं यहाँ की नाली बनाने नहीं देते, अजय शुक्र बोले थे कि हम नाली बनवा देंगे, आज तक
15 साल भर मतलब 3-5 वर्षीय हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ नाली होली न कौनो पैसा न कौनो धंधा कुछ भी नहीं। वहाँ 20 वार्ड में कोई विकास के नाम से कोई काम नहीं किया गया है। प्रयासी जो है तो जैसे ये साइड हम उनका घर बना, दूसरा साइड उनका तलाश किनारे नहीं बनावे का है। साइड नहीं बना, दूसरी साइड बनाओ। देखिए एकदम पूरा पानी भरा हुआ है, एक बैठने के लिए रात के पड़ोसे में जाऊंगा बगल वाले के यहाँ पूरा रात भर मतलब सर खाना पीना तक नहीं बना, बच्चे भूखे पड़े रहे। तब ना ये पलंग खटिया है, ये देखिए पूरा नीचे बिल्कुल खाना पीना नहीं बना, रात भर ऐसे बैठे थे सब वहाँ बगल वाले के घर में, ये पानी भरा था ये पूरा। सरपंच वगैरह पर यहाँ कोई भी नहीं सुनता, आज 5-7 साल हो गए कागज में लिख पढ़ जाता है कि सब रोड नाली सब कंप्लीट। चुनाव के टाइम आएंगे तो बोलेंगे कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, चुनाव के टाइम में आएंगे सब का आएंगे, बाकी कोई नहीं दिखाएगा, आप जरूरत है तो कोई नहीं आएगा। चुनाव के समय बोलेंगे कि हम ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, अभी भी पानी भरा नहीं बनवा देंगे, वो थोड़ा वो नाला तो उधर कोई नाली बनवाने के लिए राजी। ये तो आपका मकान भी गिरने लायक हो गया सर, पानी यहाँ सालों भर जाते थे जर्जर हो गया, पूरी गिरने लायक हो गया। ऐसे अंदर देखिए ना थोड़ा सा ये ईंटे के ऊपर आवास ओवास कुछ मिला नहीं, आवास मिला नहीं है, सबका मिल चुका है। ये देखिए ऐसे आदमी सो रहा है इधर, ये ईंटे के ऊपर पैदा, यहाँ कुछ नहीं है, हमने ज्यादा हो गया ये इधर जमीन के, अरे यहाँ जमीन यहाँ आ जाइए तो पूरा आ जाइए। चुनाव के टाइम में बोलेंगे कि हम वो कर देंगे, घर बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, आवास दिखा देंगे, आवास आया होता तो ऐसे परेशानी होती, कभी भी गिर सकता है, ये कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, आदमी बस दब जाए इसी के ऊपर नीचे दब जाए तो कोई दिक्कत वो है ही नहीं है सरकार को, बस आके तसल्ली दे जाएंगे कि हम तुम्हारा आवास दिखाएंगे घर बनवाएंगे और उसके बाद फिर छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए कैसे रहे होंगे, ये देखिए बच्चे सो रहे हैं, आइए बिस्तर लगा हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा जगन्नाथ सेन नाम है। गाया हो गया आपको, क्या लग गया ये हाथ? तमाम गिरा ना, चली हमारे पहले भीतरे देख ले, क्या घर गिर गया? पानी है देता ना भरा है, पानी भरा है, दीवार गिर गई है, ऊपर चप गई थी तमाम हल्दी हल्दी लगी, देखिए पानी व्यवस्था नहीं है। अंदर ऐसे चलो अंदर, यहाँ क्या समस्या है खंभे? ये शिवाजी नगर मैदानी ट्रांसफार्मर के पास है, ये मुस्की से बीजेपी कार्यालय से आधा एक किलोमीटर दूर है, यहाँ आज तक बिजली की सुविधा नहीं हो पाई, किसी प्रकार से यहाँ मिल गया था इस साइड में, इस साइड बस गया था तो आज तक नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उस समय सब लोग गए थे यहाँ 50-60 लोग, तो खंभा तुरंत मिल गया, उसी दिन गढ़ भी गया, लेकिन आज दिनांक तक विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, हाँ हर चुनाव हो गया लेकिन आज तक उसमें तार नहीं खींच रहा है, कई बार जा चुके हैं, कम से कम 50 बार जा चुके हैं, अब लोग वह कितना फुर्सत हैं, बस जब जाएंगे तो बोलेंगे एक हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर काम, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है, माने केबिल तक नहीं खींच पा रहे हैं, पानी की स्थिति ये हालत है, माने बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, न नाली बनी न कुछ बना। जब बोलते हैं जैसे सरपंच के पास जाओ बोलते हैं इसके लिए कोई बजट नहीं है, अब किसके पास जा जाते हैं? मंत्री के पास जाते हैं तो वो आश्वासन दे देते हैं, बस हो गया, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ ये इनका घर है, घर गिर चुका है। इनका क्या नाम है? इनका भूरा यादव नाम है। इनका घर गिर गया, घर गिर चुका है, बच्चे बेचारे बाहर बैठे हैं, खाना बनाते हैं कहाँ जाएं, ये स्थिति यहाँ की है। क्या नाम है आपका? रमाकांत त्रिपाठी, शिवाजी नगर मैदानी। ये है शिवाजी नगर,
क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, जब भी बारिश होगी पानी निकासी नहीं है, नाली नहीं है, आने जाने में स्कूल बच्चों सभी को तो बड़ी दिक्कत है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे आने जाने में उनको आप कंधे में बैठा के ले जाओ, हाँ बड़े नहीं, घुटना बस पानी भरा रहता है हमेशा, ये सब समस्या है यहाँ। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद नहीं, यहाँ सर ग्रामीण क्षेत्र लगता है, तो ये सरपंच होंगे ना? सरपंच है लखनलाल बंसल, वो नहीं देख रहे कर रहे, वो भी हो गया, एक आर आए थे, हो गया देख सुन के चले गए। इस समस्या से कल उनको अवगत कराया गया तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि घर बनाते समय आपको ये देखना चाहिए था कि यहाँ रोड नाली की व्यवस्था है कि नहीं, आप लोगों ने घर बना लिया और आपने ये नहीं देखा, अब ये हमारी समस्या नहीं है और इस पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आपने नहीं बोला कि जब जनता ही नहीं रहेगी तो आप सरपंच कैसे रहेंगे? ये हमने कहा तो उन्होंने फोन जो है वो काट दिया। इसलिए चुनता है कि अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। जी बात तो सही है, लेकिन जब हमने फोन के माध्यम से उनको जब अवगत कराया तो उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि ये हमारी समस्या नहीं है, आपको घर बनाने से पहले ये सब सुविधाएं देखनी चाहिए थी। आप सरपंच किस लिए बने हैं? राज करने के लिए केवल। और मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में भी किया गया तो वहाँ पे के अधिकारियों द्वारा भी बिना निरीक्षण किए ये समाधान दे दिया गया कि यहाँ पर पुनः सारी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और जल जो है वो निकल चुका है। इस तरह का कार्य हुआ है। मेरा ये कहना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि ये तो कल तेज पानी गिरा तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, लेकिन आम तौर पर में भी मतलब यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है और घरों के अंदर पानी घुसा रहता है। और मंत्री जी भी चुनाव के समय में अक्सर करके चुनाव के समय में जब आचार संहिता लगी रहती है तभी आते हैं, आश्वासन देते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा इस क्षेत्र में नहीं आते हैं और ना क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। अभी कल ये चल रहा पता कि लोकार्पण हो गया इधर का नाली और सड़क पूरा, और यहाँ लोकार्पण हुआ है, यहाँ पर भी आधी अधूरी नाली बनी है और आप आगे देखेंगे तो सिर्फ नाली के लिए खुदाई हुआ है, उस पर कार्य नहीं हुआ है। नहीं तो मेन सड़क में तो नाली कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ खुदाई हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ, सिर्फ खुदाई हुई है और कार्य नहीं हुआ है, उद्घाटन हो गया। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ये जो समस्या है इस समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन द्वारा किया जाए, जिससे कि आम जनजीवन जो है वो प्रभावित ना हो। आपका कौन सा एरिया है? रमाकांत त्रिपाठी नाम है, ये शिवाजी नगर मैदानी भुइयां देवी चौराहा कहलाता है। यहाँ पे सड़क बनी है लेकिन नाली नहीं बनी है, इसमें पानी की निकासी बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, सबके घरों में घुसा हुआ है, निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोगों का तो घर भी गिर चुका है, कच्चे मकान बने थे तो ये हालत है। उद्घाटन हुआ है तो कल के दैनिक जागरण में न्यूज मिली थी कि इस रोड का लोकार्पण भी हुआ है जिसमें अभी तक नाली नहीं बनी हुई है, अब कैसे लोकार्पण हुआ जबकि अभी रोड भी कनेक्ट नहीं हुआ है, रेलवे स्टेशन के लिए जुड़ा हुआ है कि द्वारी सच्चा नगर होते हुए रेलवे स्टेशन के लिए इसका लोकार्पण किया जा रहा है, हाँ कितने लाख की रोड लिखी थी वो जागरण न्यूज मिला था, लेकिन आज तक ये बनी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, लोकार्पण कैसे हो गया ये हमारे समझ नहीं आता है, और ना नाली है ना कुछ है, समझ नहीं आता कैसे पैसे निकल गया, कैसे लोकार्पण हो गया, कैसे रोड बन गई जबकि अभी आधी आधी धुरी पड़ी हुई है, और जो स्थिति है सामने दिख रही है ये तो डूब क्षेत्र है, पूरा डूब क्षेत्र है, सबके घरों में पानी घुस जाता है, इसी हालत में ये ट्रांसफार्मर के पास में वहाँ भी ऐसे भरा हुआ है, हाँ कई बार सरपंच को अवगत कराया, सेक्रेटरी को अवगत कराया, विधायक जी को अवगत कराया, लेकिन कोई आज तक निराकरण नहीं हो पाया है, ये हालत है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है, और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।